Good morning, everyone. Let me first extend my warm welcome to all of you for joining our today's webinar, where we will delve into the crucial topic of Wi-Fi security. And I'm Rajneesh, and I will be your host for today's session. Today, we are going to explore a question that's increasingly important in our digitally connected world. Is your Wi-Fi secure or not? क्या आपका Wi-Fi secure है या नहीं? With the growth of smart devices and the growing importance of internet in our daily life, the security of our Wi-Fi network has become a paramount. So let's dive right in. Is your Wi-Fi secure? And that's the topic of our today's webinar. क्या हमारा Wi-Fi secure है या नहीं है? और यही आज का हमारा topic है, आज के webinar का topic है. तो चलें start करते हैं. So here's a quick overview of what we will cover today. आज हम लोग क्या क्या cover करने वाले हैं उसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं. The first we will understand Wi-Fi security. सबसे पहले हम समझेंगे Wi-Fi security क्या होता है and why is it essential for us और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए. Second we are going to talk about how hackers hack your Wi-Fi and we are going to perform it practically in this session. सेकेंड हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हैकर्स जो हैं वो आपके वाईफाई को हैक करते हैं और आज के सेशन में हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखने वाले हैं. पॉइंट थर्ड कॉमन थ्रेट्स टू वाईफाई नेटवर्क्स. वाईफाई नेटवर्क्स के कुछ जो कॉमन थ्रेट्स हैं उसके बारे में वी विल डिस्कस. फोर्थ वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिंग योर वाईफाई. आपके वाईफाई को सिक्योर करने के लिए जो कुछ मुख्य जो बेस्ट तरीके होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी विल टॉक अबाउट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर वाईफाई सिक्योरिटी. वाईफाई को सिक्योर करने के लिए कौन से मेजर्स टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है दैट वी आर गोइंग टू कवर. सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस webinar. So let's start with the basic one, which is understanding Wi-Fi security. Okay, and here I will demonstrate it with an animation so that the concept will become more clear and get imprinted in your mind. यहाँ पे मैंने animations के द्वारा समझाने की कोशिश की है ताकि जो concept है वो ज़्यादा clear हो और आपके mind में imprint हो जाए. So suppose this is you, मान लीजिए कि ये आप हैं and this is the Wi-Fi that you have installed on your home और ये आपका Wi-Fi है जो कि आप अपने घर में लगा रखे हैं and you are working on your laptop using your internet और आप अपने laptop पे अपने internet को use करके कोई काम कर रहे हैं and suppose there is a hacker who enters your Wi-Fi network in an unauthorized manner without your permission. और मान लीजिए ये एक हैकर्स है जो कि आपके वाईफाई नेटवर्क में बिना आपके परमिशंस के एंटर कर चुका है. सो व्हाट डैमेज ही कैन डू टू यू. तो वो आपको क्या क्या डैमेज कर सकता है चले देखते हैं. ही कैन सी योर इंटरनेट एक्टिविटीज. वो आपके इंटरनेट एक्टिविटीज को देख सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल लेट सपोज यू ओपन अप योर ब्राउजर. आपने अपना ब्राउजर ओपन किया एंड टाइप द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट यू वॉन्ट टू विजिट. और आप जिस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं उसका यूआरएल अपने ब्राउजर में टाइप किया. हियर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई हैव टेकन facebook.com. डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने facebook.com का एक एग्जाम्पल लिया है बट जरूरी नहीं कि ओनली द facebook.com, एनी अदर साइट दैट यू वॉन्ट टू विजिट यू टाइप द यूआरएल ओवर हियर. सो आफ्टर टाइपिंग द यूआरएल फेसबुक लॉग इन पेज विल पॉप अप लाइक दिस. ठीक है, आपने यूआरएल डाला ब्राउजर में एंटर किया तो इस तरह से क्या होता है हमारा फेसबुक का जो लॉगिन पेज है वो आ जाता है. एंड हियर यू प्रोवाइड योर क्रेडेंशियल्स लाइक योर यूजर्स नेम एंड पासवर्ड एंड आफ्टर दैट यू लॉग इन टू योर अकाउंट एंड डू सम एक्टिविटीज ओवर देयर. तो ये जो लॉगिन पेज आया यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, हम अपना क्रेडेंशियल डालते हैं, मतलब हम अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम जो है अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं. वहां पे जो हमें करना है फिर वो मीन्स सम अदर एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म. सो ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीजें जो है योर यूजर नेम्स योर पासवर्ड एंड वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू ओवर कैन बी मॉनिटर्ड बाई दोज हैकर्स गाय.
तो आपने जो भी चीजें यहाँ पे की, अपना ईमेल डाला, फेसबुक का पासवर्ड डाला एंड उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हुए और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज आपने किया, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो हैकर्स, ये जो हैकर्स है जो कि आपके नेटवर्क में बिना आपके परमिशंस के एंटर कर चुका है, वो देख सकता है। इट मीन्स व्हाटएवर वेबसाइट यू विजिट कैन बी मॉनिटर्ड। आप कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करते हो तो वो उसको मॉनिटर कर सकता है। सेकेंड, द फाइल्स यू डाउनलोड या अपलोड ऑन द इंटरनेट कैन बी ट्रैक्ड। दूसरा, कि कोई भी फाइल्स जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो वो भी ट्रैक किया जाता है। एंड नाउअडेज वी क्वाइट ऑफन शेयर आवर पर्सनल डेटा लाइक आवर पैन कार्ड्स और आधार कार्ड्स एंड इवन बैंक डिटेल्स थ्रू द इंटरनेट। और आज के समय में क्या हो गया ना, हम लोग बहुत ज़्यादा अपना जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि हमारा पैन कार्ड हो गया, हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा बैंक डिटेल्स हो गया, ये हम लोग जो है शेयर कर देते हैं थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ईमेल्स के द्वारा एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। सो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू मस्ट थिंक बिफोर सेंडिंग इट। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, आपको सोचना चाहिए भेजने से पहले कि क्या जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो हमारा डेटा सिक्योर है या उसको कोई ट्रेस कर सकता है, उसको कोई मॉनिटर कर सकता है। ओके, एंड द थर्ड, द डेटा यू सेंड एंड रिसीव्स, सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। वही चीज अभी हमने बात की, जो हम जो पर्सनल डेटा हम अपना शेयर कर रहे हैं, तो बी कॉन्शियस दैट कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा नेटवर्क सिक्योर है, देन इट विल बी सिक्योर्ड। और अगर हमारा नेटवर्क, हमने सिक्योरिटी पे वर्क नहीं किया है और हमारा नेटवर्क उस तरह का सिक्योर नहीं है, तो ये जो डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू वो ट्रैक भी किया जा सकता है अगर कोई हैकर्स हमारे नेटवर्क में अनऑथराइज तरीके से एंटर कर जाए। So be careful while sharing your personal information. And now, from all of the above point that we have discussed, ये सारे points जो हमने अभी तक discuss किया, we conclude that Wi-Fi security refers to the measures taken to protect your wireless network from unauthorized access and malicious attack. So, ये जो सारे पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस करी कि हम कोई भी वेबसाइट जो विजिट करते हैं या कोई फाइल्स डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं या कोई डेटा हम अपना पर्सनल डेटा जो सेंड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, उससे एक चीज, उसको अगर हम कंक्लूड करें, उससे एक चीज ये समझ में आती है कि वाईफाई सिक्योरिटी क्या है। तो वाईफाई सिक्योरिटी बेसिकली एक स्टेप्स है टू प्रोटेक्ट, मीन्स बचाने के लिए आपके वायरलेस नेटवर्क को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या मिलिशियस अटैक। मीन्स आपका जो वायरलेस नेटवर्क है उसको बिना आपके परमिशंस के कोई उसको यूज कर सके एंड यूज करके उस पर कोई मिलिशियस अटैक कर सके, उससे बचाने का तरीका है। एंड दैट इज व्हाट इज वाईफाई सिक्योरिटी रेफर्स। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Till now we have discussed Wi-Fi security and now we will discuss why it is essential. तो अभी तक हमने ये discuss किया कि Wi-Fi security क्या होता है, और अब हम लोग ये discuss करेंगे कि Wi-Fi security क्यों essential है, क्यों जरूरी है। So the first point is confidentiality. पहला point क्या है हमारा, confidentiality. So what does confidentiality basically means? So confidentiality is the principle of ensuring that the sensitive information is only accessible to authorized individuals or entities. Let's understand it with an example. Nowadays, most of us use internet banking. आज के टाइम में हम लोगों में से काफी ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हैं। एंड वी नो टू लॉग इन टू आवर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट वी नीड क्रेडेंशियल्स लाइक आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड। और हम जानते हैं कि हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है उसमें लॉग इन करने के लिए हमें क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड हुआ। एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। सो यू वॉन्ट इट टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड ओनली यू हैव एक्सेस टू इट। तो आप क्या चाहोगे, ये जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता हो एंड आप ही उसको एक्सेस कर पाओ, कोई और
आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए. इफ somehow इट गेट compromised, इट कैन cause अ बिग लॉस टू यू. अगर किसी भी तरीके से आपका जो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड है किसी और को मालूम पड़ गया तो वो क्या कर सकता है, वो आपके बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन कर सकता है एंड वहां से आपके अकाउंट्स के सारे पैसे वो विड्रॉ भी कर सकता है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न. इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत ही मुख्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं. तो ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रिटी. एंड वॉट डज इंटीग्रिटी मीन्स? इंटीग्रिटी द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंप्लीट and not modified without authorizations. For example, imagine you want to sell your product. मान लीजिए कि आपका एक product है, कुछ भी product है और आप उसको बेचना चाहते हैं. And regarding that, you are sending an email to a customer offering the price of $300. और उससे related आपने अपने customer को, आपकी customer से पहले बात हो चुकी है कि भाई मेरा ये product है and he is ready to purchase it. And आपकी एक formal meeting हो रखी है and आपने उसमें उसको $300 का price किया, quote किया. And suppose you are sending, to make it official, इसको official बनाने के लिए आप उसको एक mail कर रहे हैं उस customer को and you are offering your price $300 जो कि आपने उससे जब first time meet हुई थी तो आपने उसको offer किया था. If an attacker somehow altered the email and changed the offering price to $3,000, अब अगर मान लीजिए कि आप जो email उसको कर रहे हो वो किसी अटैकर ने बीच में उसको मॉडिफाई कर लिया, उस ईमेल को, आपके ईमेल को हैक कर रखा है और उसने क्या किया, आपके ईमेल को मॉडिफाई कर दिया, अल्टर कर दिया एंड उसने जो आपकी ऑफरिंग प्राइस है, जो आपने $300 आपकी बात हो रखी थी, उसको चेंज करके $3,000 बना दिया, तो क्या होगा? द इंटीग्रिटी मेजर्स हैव फेल्ड एंड ट्रांजेक्शंस विल नॉट अकर एज इंटेंडेड. तो जो आपका इंटीग्रिटी है वो फेल हो जाएगा उस कस्टमर की नज़र में कि यार पहली बार जो ये मिला था तो मुझे कुछ और प्राइस बोल रहा था एंड अभी कुछ और ही प्राइस बोल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है ये आपका डील नहीं होगा और आपकी रेपुटेशंस भी खराब हो जाएगी. ओके, ऑफन टाइम्स अटैक्स ऑन इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आर डिजाइंड टू कॉज इम्बैरेंसमेंट और लेजिमेट डैमेज टू द टारगेट. यही चीज़ मैंने बोली कि क्या होगा, आपका रेपुटेशन जो है कस्टमर के नज़र में वो खराब हो जाएगा एंड ही इज स्प्रेड अराउंड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज दैट कि भाई ये वाला इससे डील मत करना, ये इसकी जो रेपो है मार्केट में वो अच्छी नहीं है, ये ऑफर कुछ और करता है एंड बाद में प्राइस वो बदल देता है. ओके, सो इंटीग्रिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड. नाउ द थर्ड पॉइंट इज अवेबिलिटी. ओके, एंड वॉट इज अवेबिलिटी? It's a principle of ensuring that information is accessible and usable when needed. Means जब भी कोई information हमको जरूरत है हम उसको access कर सके and use कर सके. Let's understand it with an example too. Suppose you run an e-commerce website where you are selling your product. मान लीजिए कि आपका एक e-commerce site है और आप वहां पे अपने products को बेच रहे हैं. So what you want is that whenever a legitimate user browse your website to do shopping, it should properly open without any inconvenience. तो आप क्या चाहेंगे कि जब भी कोई यूजर जो legitimate यूजर है, मीन्स जो सच में आपके साइट से शॉपिंग करना चाहता है, वो जब भी आपके वेबसाइट को ओपन करे तो वो वेबसाइट जो है वो बिना कोई परेशानी के, बिना कोई इनकन्वीनियंस के ओपन हो ताकि वो फ्रीली शॉपिंग कर सके. इफ somehow hackers hack your website and it is not accessible to the legitimate user. अब मान लीजिए कि hackers ने क्या कर लिया कि आपके website को किसी तरीके से hack कर लिया और जो legitimate user है जब उसको browse करने जा रहे हैं तो आपका website open ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तो it can cause a damage to your business. एक तो आपका business गया वहाँ पे एंड दूसरी कि आपके रेपुटेशंस भी खराब हुई बिकॉज उस कस्टमर को लगेगा यार कैसी साइट है ये, ओपन ही नहीं होती है. ओके, तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी साइट्स पे विजिट नहीं करेगा. सो इट कैन कॉज अ डैमेज फॉर योर बिजनेस. सो अवेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड. सो फ्रॉम ऑल दीज थ्री पॉइंट्स वी कम टू द कंक्लूजन दैट
why Wi-Fi security is essential? So it is essential for safeguarding the confidentiality, integrity and availability of your data transmitted over the airwaves. ओके तो वाईफाई सिक्योर करना क्यों जरूरत है? ताकि ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एबिलिटी को बरकरार रखे, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. सो पहले हमने देखा कि वाईफाई सिक्योरिटी क्या होती है एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाई इट इज एसेंशियल. सो इट्स एसेंशियल फॉर व्हाट? फॉर सेफगार्डिंग आवर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी. सो now let's move further. There are several key components to Wi-Fi security. Wi-Fi security ke kafi sare mukhya components hain. Let's discuss about it. And the first one is encryption. Aur jo sabse pehla hai wo hai encryption. So what does encryption means and how does it works? Let's understand with an example. Okay, suppose this is you and you are sending a mail to your website developer regarding the details of the server on which you want to host your website. तो ये आप हैं और आप एक ईमेल अपने वेबसाइट डेवलपर को सेंड कर रहे हैं जिसमें कि आप अपने सर्वर्स का डिटेल लिख रहे हैं, मीन्स उसका यूजर नेम्स एंड पासवर्ड, और आप चाह रहे हैं कि जो आपका वेबसाइट है आपका डेवलपर इसी सर्वर पे होस्ट करे, इसी सर्वर पे लाइव करे. So initially it is an unencrypted plain text which can easily be read by humans. तो ये जो मेल आप लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग में कैसा होगा? तो एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होगा, मीन्स कोई इंक्रिप्शन नहीं होगी एंड इसको कोई भी ह्यूमंस, कोई भी इंसान आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है. आफ्टर क्लिकिंग द सेंड बटन इट मूव्स ऑन एंड एन इंक्रिप्शन की इज अप्लाइड टू इट. जैसे ही आपका मेल फिनिश हो गया लिख के, आपने क्या किया, उसको सेंड बटन क्लिक किया. सेंड बटन क्लिक करने के बाद जो आपका मेल है वो आगे बढ़ा एंड उस पर एक इंक्रिप्शन की अप्लाई हो गया. आफ्टर अप्लाइंग द इंक्रिप्शन की द अनइंक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट. तो ये जो इंक्रिप्शन की अप्लाई हुआ जिसकी वजह से ये हो गया कि जो आपका मेल स्टार्टिंग में इनिशियली प्लेन टेक्स्ट में था उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई हुआ एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू एन इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट. वो साइफर टेक्स्ट में बदल गया एंड इट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल. सो अब ये ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन इसको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता. आफ्टर दैट इट मूव्स फर्दर एंड बिफोर रीचिंग टू रिसीवर अ डिस्क्रिप्शन की इज अप्लाइड टू इट एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंक्रिप्शन लॉक गेट्स ओपेंड एंड अगेन इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अनइंक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट. तो उसके बाद क्या हुआ, इंक्रिप्शन अप्लाई होने के बाद जो आपका मेल है वो फिर से आगे बढ़ा एंड जो आपका रिसीवर है जिसको आपने मेल किया है उस तक पहुंचने से पहले इस पर एक डिक्रिप्शन की अप्लाई हुआ. और वो डिक्रिप्शन की ने क्या किया, जो इंक्रिप्ट हुआ था, जो इंक्रिप्शन लॉक लगा था उसको ओपन कर दिया एंड अगेन ये जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है, वो गेट कन्वर्टेड, वो बदल गया किसमें, वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदल गया. सो योर रिसीवर कैन रीड एग्जैक्टली व्हाट यू सेंड, ताकि जो आपका रिसीवर है वो उसको वही चीज मिले जो आपने सेंड किया है, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड रीड इट प्रॉपरली. इफ सपोज समहाउ हैकर्स हैक योर नेटवर्क देन ही कैन सी व्हाट यू आर सेंडिंग. अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से हैकर्स ने आपके इस नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मीन्स आपके नेटवर्क में एंटर कर गया, तो वो देख सकता है कि आप क्या भेज रहे हो. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इज दैट दे कैन एंटर दिस एरिया ओनली वेयर योर ईमेल इज इन इनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो आपका हैकर्स जो अनऑथराइज्ड वे में आपके नेटवर्क में एंटर कर गया, वो सिर्फ ये जो एरिया दिख रहा है आपको विद द येलो मार्क, बस उतना ही दूर तक उसकी एक्सेस है. और वहाँ पे जो आपका मेल है वो किस फॉर्मेट में है, तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, मीन साइफर टेक्स्ट में है, जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है. ओके, सो इवन इफ ही हैक्स योर नेटवर्क ही ओनली नोज दैट यू आर सेंडिंग सम मेल, बट वॉट इज इनसाइड द मेल ही कांट सी. बिकॉज वाई? बिकॉज ही डोंट हैव
जो इंक्रिप्शन की, ओके, सो योर मेल इज इन सेफ। तो आप ये जो हैकर्स है वो अनऑथराइज तरीके में एंटर तो कर गया, जिसके वजह से उसको ये पता तो चल सकता है कि आप किसी को मेल भेज रहे हो, लेकिन मेल के अंदर क्या टेक्स्ट है वो उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ उसी एरिया में है जहाँ पे आपका मेल जो है वो इंक्रिप्टेड है, ओके, एंड उसके पास इंक्रिप्शन की है नहीं, तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख सकता कि व्हाट इज इनसाइड द मेल, मेल के अंदर क्या है। सो इन दिस वे योर मेल इज सेफ। सो फ्रॉम ऑल दिस वी कंक्लूड दैट इंक्रिप्टिंग डेटा इंश्योर्स दैट इवन इफ समवन इंटरसेप्ट योर वायरलेस सिग्नल दे वोंट बी एबल टू डिसाइफर द इंफॉर्मेशन विदाउट द इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्टिंग डेटा से क्या अपने को फायदा हुआ कि अगर कोई आपके नेटवर्क में वायरलेस सिग्नल को हैक कर भी लेता है तो उसके पास इंक्रिप्शन की है नहीं, इसकी वजह से जो वो इंक्रिप्टेड की है इंक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट है उसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता एंड दे कांट रीड इट व्हाट इज इनसाइड इट। ओके, सो इन दिस वे यू आर इन सेफ, योर मेल इज सेफ। सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रिप्शन। Now the second one is authentication. So what is authentication and how it's work? Let's see with an example. Let's suppose that this is your Wi-Fi and this is the range of your Wi-Fi. ये आपका Wi-Fi है और ये इतना area, ये range है आपके Wi-Fi का. Okay? Now let's suppose someone brings their laptop in your Wi-Fi range and tries to connect it. किसी ने आपके वाईफाई के रेंज में आपका लैपटॉप लेके आया एंड ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू योर वाईफाई। सो फॉर दैट ही क्लिक्स ऑन वाईफाई सेटिंग एंड इट विल ओपन लाइक दिस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, वी ऑल नो कि हमें बॉटम में जाना है एंड वाईफाई सेटिंग्स पे क्लिक करनी है एंड आफ्टर दैट इट विल ओपन लाइक दिस एंड हियर यू कैन सी इट्स शोइंग वाईफाई इज अवेलेबल। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वाईफाई अवेलेबल है। He clicks on the arrow shown in the red. So after that हम क्या करेंगे, वो जो arrow red में दिख रहा है आपको वहाँ पे click करेंगे। After clicking the arrow, it will show a list of all the Wi-Fi that is available in that area. जैसे ही हम उस arrow पे click करेंगे so हमें क्या होगा, एक नया pop-up आएगा जहाँ पे हमें वो सारे Wi-Fi's के list दिखाएंगे जो available हैं उस particular area में। After that, he selects the Wi-Fi to which he wants to connect. उसके बाद हमें जो भी Wi-Fi को connect करना है उसको हम select target करेंगे and we will click on connect. Okay. For an example, suppose हमारा IC Institute का Wi-Fi को connect करना चाह रहा है, so he will select the Wi-Fi, IC Institute Wi-Fi and then click on connect button. So after that, it asks for what? The password, that is the network security key. And suppose he knows the password, so enter the password. After entering the password, it goes to where? Authentication server. Where authentication server, password kahan gaya? Authentication server mein gaya. And authentication server starts looking into its database. And when the password is found, the Wi-Fi networks get connected. तो password डालने के बाद वो जो password है वो कहाँ गया, authentication server में गया। authentication server जो है वो अपने database को crawl करेगा to verify the password. And if he found the password, उसको password मिलेगा, then the network, the Wi-Fi will get connected. So here, what is the authentication method? यहाँ पे हमारा authentication method क्या है, वो है password. So इसीलिए you must keep your password stronger, which is not easily guessable or crackable by most of the password cracking tools. इसलिए ये suggest किया जाता है कि आप अपने Wi-Fi का जो password है वो इतना strong रखें कि वो ना तो आसानी से guess किया जा सके या ना crack किया जा सके by most of the cracking tools that is available in the market. If you want to be secure, अगर आप secure रहना चाहते हैं. Okay? So from all this, we conclude that authentication mechanism verifies the identity of users or devices trying to connect to network and preventing unauthorized access. तो authentication mechanism क्या करता है, basically verify करता है
क्या चीज़ वेरीफाई करते हैं, तो आपने वेरिफिकेशन मेथड क्या लगा रखा है, जैसे यहाँ पे हमने पासवर्ड लगा रखा है, एंड देयर आर द वेरियस ऑथेंटिकेशन मेथड्स फॉर व्हाट वाईफाई, एंड दीज आर WEP, WPA, WPA2 एंड WPA3, एंड व्हाट आर ऑल दीज ऑथेंटिकेशन मेथड्स दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियोज। तो वाईफाई के कुछ ये चार ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो कि हैं WEP, WPA, WPA3 एंड WPA3, और ये क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है ये हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आवर मोटिव ओवर हेयर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन इज बेसिकली अ मैकेनिज्म थ्रू विच द ऑथेंटिकेशन सर्वर आइडेंटिफाइज द यूजर्स और डिवाइसेस और वॉट एवर यू ऑथेंटिकेशन मेथड यू हैव अप्लाइड, एंड इफ दे फाउंड द नेटवर्क, योर नेटवर्क विल गेट कनेक्टेड। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू वॉट इज ऑथेंटिकेशन। And the last one is access control. So what is basically access control and why it is used? Let's see. Access control is used to block or allow specific client devices to access your network via wired or wireless based on a list of blocked devices, that is blacklist, or a list of allowed devices, that is whitelist. Let's understand it with an example. Suppose this is your Wi-Fi network, ये आपका Wi-Fi network है, and there is a laptop, okay, and that person wants to connect to your Wi-Fi network. ये किसी भी आदमी का laptop है जो कि आपके Wi-Fi network में connect करना चाहता है, and for that he goes to the Wi-Fi settings, select your Wi-Fi, and then click on connect. Now it asks for password, उससे password पूछेगा, and let's suppose he knows the password, उसको आपका password पता है. So he enters the password and tries to connect. So even though he knows the password, what method he gets? He gets access is denied. Why? He knows the password. Then why the access is denied? Because you have kept this device in your blacklist. आपने अपने इस device को अपने blacklist में रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये होगा कि उस person को आपका password तो मालूम है, but instead he will not able to connect to your network. फिर भी वो आपके network में connect नहीं कर सकता है. अगर ये आपके whitelist में होता है, they can easily connect to your network. Okay? So access control gives you what? The access of your Wi-Fi. कि आप किसको connect होने देना चाह रहे हो अपने network में and किसको, किस device को connect नहीं होने देना चाहते हो based on your blacklist and whitelist. Access control mechanism determine who is allowed to connect to the network and what resources they can access once connected. So access control mechanism हमें क्या privilege देता है कि हम allow कर सकते हैं कि कौन सा device हमारे network में connect कर सकता है और connect होने के बाद क्या क्या resources वो use कर सकता है even though we can control this. Suppose हमने ऐसा access control लगा रखा है कि अगर कोई हमारे network में enter तो कर सकता है, इस device को हमने allow कर रखी है कि वो हमारे network को में enter कर सकता है ना, हमारे wifi को use कर सकता है, but he can only browse, वो सिर्फ browsing कर सकता है, download नहीं कर सकता है. Okay? So, access control mechanism determine who is allowed to connect to network and what resources they can use once connected. So, I hope it's clear to all of you. And it is a very essential setting. If you have your Wi-Fi, go to its setting, access control setting, and do all these settings. Keep your blacklist and whitelist and also the resources. Okay, means what resources if someone connect to your network they can use. It's the best practice. So that's all about access control. So till now we have discussed about what understanding Wi-Fi security, that is the first module of our today's webinar, where we have looked into what is Wi-Fi security, why it is essential, and what are the key components of Wi-Fi security, and of which the first one is encryption, second is authentication, and the last one is access control. So that's all about understanding Wi-Fi security. Now we move on to our next module, that is how hackers hack your network, and let's perform it. So that's all for the today, and if you like our video and want to see the next part of it, that is how hackers hack
your Wi-Fi network, please let us know by writing in the comment sections below. And thanks for watching. Stay tuned with us. And please don't forget to share this video with your friends and family and spread awareness. Thank you. Stay safe. See you soon.